हेलो प्यारे बच्चों, इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर बोर्ड परीक्षा में आता रहता है, ओम का नियम क्या है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, यदि किसी चालक चालक भी पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रभावित होती है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? ताप है, लंबाई है, में परिवर्तन ना किए जाए, में परिवर्तन ना किया जाए तो चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों के बीच उसके सिरों के बीच लगाई गई विभवांतर, जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाएगा, के समानुपाती होती है। तो ये मेरे पास कोई चालक तार है, इसके बीच मैंने एक सेल लगा दिया, इससे मैं इसे विभवांतर दे रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस। चालक तार ए और बी इसके सिरे हैं, तो इसमें मैंने ये प्लस ये माइनस, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ बहेंगे तो धारा आई प्रभावित हो रही है। इस चालक तार का प्रतिरोध आर है और इसको हमने बी वोल्टेज दे दिया है इस सेल द्वारा इस तार को। तो यहाँ से लगाया गया विभवांतर, इतना विभवांतर लगाएंगे उसमें बहने वाली धारा उसकी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में होगी, तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, बी प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो ये हो जाएगा आई आर, जहाँ आर चालक का प्रतिरोध है, जो धारा के मार्ग में रुकावट करने वाली जो चीज़ होती है उसको प्रतिरोध बोलते हैं, चालक का प्रतिरोध है। तो यही ओम का नियम है, बी इक्वल टू आई आर। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।